नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका समय थोड़ा सा खराब चलने लगा है, काफी खराब हो गया। इनफैक्ट बाजार आपके लिए ऊपर नीचे जहां भी हो, आपको अगर लगता है भैया नीचे आ गया है तो ठीक है, आप सही हो, क्योंकि 20,000 के सामने आप अगर 19,400 देख रहे हो तो आप कह रहे हो खराब है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कह रहे हो बाजार तो भैया लाइफ हाई पे खड़ा है, तो आप ज्यादा ठीक हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने देखा है कि मार्केट 400-500 पॉइंट तो कभी भी जा सकता है। 400-500 पॉइंट अब निफ्टी के लिए है क्या? 2%। अगर ऊपर से 2% नीचे तो खराब हो गया। स्टॉक आपका ऊपर से नीचे 10% आ जाए तो भी बढ़िया है, लेकिन मार्केट 2% नीचे आए तो बाजार तो खत्म हो गया, खराब हो गया, फिर गिरावट आएगी, टॉप बन गया। ये सारे हमारे दिमाग में चलते हैं ख्याल। अब मैं यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें बड़ी पिटाई पड़ी है रिसेंट डेज में और चीजें और बिगड़ती हुई दिख रही है इस कंपनी के लिए। शुरू करते हैं एक एक करके सारी डिटेल्स के साथ। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। अब डेल्टा कॉर्प की बात की जाए तो स्टॉक आपके लिए कल भी मार्केट में टूटता हुआ ही दिखा है। बाजार हालांकि ऊपर गया आई थिंक, बट स्टॉक का प्राइस आपके लिए शायद ऊपर नहीं गया। जी हाँ, स्टॉक का प्राइस आपके लिए 1 रुपए नीचे ही बंद हुआ है और 1 रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेज लो पे बंद हुआ है। 186.65 के लेवल्स पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है, 1 रुपए 20 पैसे गिरकर बंद हुआ है। अब इस स्टॉक के लिए क्या नेगेटिव खबर है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई जब स्टॉक का भाव था 240 रुपए का, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है जहां पे वो कहते हैं कि गेमिंग एंड कैसीनो इंडस्ट्री पे 28% का जीएसटी लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैसीनो एंड गेमिंग पे 28% का जीएसटी लगेगा तो किसको सबसे बड़ा घाटा होगा? कैसीनो कंपनीज को, गेमिंग इंडस्ट्रीज को। अब वहां पे कौन लीडर है? डेल्टा कॉर्प है। 85% रेवेन्यू इनका आता है आपका कैसीनो से, 15% इनका रेवेन्यू आता है गेमिंग से, टोटल हो गया 100%। यानी कि पूरे के पूरे इनके रेवेन्यू कारोबार पे 28% का जीएसटी लगेगा। ये खराब खबर आते ही स्टॉक का प्राइस 8-10% सेम डे टूटा, अगले दिन फिर 5-7% टूटा और 240 वाला 190 के आसपास आके 4-5 दिन में सेटल हुआ। 190 आया, फिर खबर आती है कि 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल दोबारा से मीटिंग करने वाले हैं जहां पे रिव्यू करेंगे। क्या पता इस 28% के जीएसटी पे कुछ बदलाव आ जाए, कुछ राहत मिले इन कंपनीज को। लेकिन 2 अगस्त को आपके लिए मीटिंग हुई और राहत नहीं मिली, प्लस ये और कहा गया कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि ये इंपोज होने वाला है आपके लिए 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से ये इंपोज होने वाला है, तो और खतरा और खत्म हुआ स्टॉक। फिर 2-3% टूटा इस खबर पे और लगभग 185-80 रुपीस के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। अब कल के सेशन में 186 रुपीस की क्लोजिंग आई है इस स्टॉक की। अब एक और फ्रेश नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है कल पोस्ट मार्केट में, वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हार्दिक देवर रिजाइन्स एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। पूरा पढ़ते हैं फिर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ डेल्टा कॉर्प लिमिटेड ऑन फ्राइडे अनाउंसेस रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन टू टेक ऑन न्यू प्रोफेशनल चैलेंजेस इन्फॉर्म द कंपनी इन इट्स स्टेटमेंट। देवर हु वाज पार्ट ऑफ द कंपनी फॉर पास्ट 15 इयर्स विल आल्सो सीज हिज रोल एज अ की मैनेजरियल पर्सनल आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। देवर रेजिग्नेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16 अगस्त, यानी 16 अगस्त से ये रिजाइन दे देंगे, तब तक मतलब 1 हफ्ते और काम करेंगे। आफ्टर मच थॉट एंड कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू टेक ऑन अ न्यू प्रोफेशनल चैलेंज दैट अलाइंस विद माय कैरियर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। व्हाइल आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी आई विश एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट डेल्टा विल कंटिन्यू टू थ्राइव एंड अचीव ग्रेटर हाइट्स इन फ्यूचर, सेड हार्दिक देवर इन हिज रेजिग्नेशन लेटर। यहाँ पे डेल्टा को आप आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो छोड़ दो, आप छोड़ के जा रहे हो, ये बड़ी बात है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। ऐसे माहौल में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO का छोड़ के जाना एक गलत इम्पैक्ट देखा जाएगा बाजार में। तो अब इस पे और सवाल उठेंगे, बड़े इन्वेस्टर्स के कंसर्न जताएंगे, जिसके चलते ये स्टॉक और भी टूट सकता है। सवाल ये उठता है कि भैया टूट सकता है वो तो ठीक है, अब करें तो करें क्या, ऑलरेडी बड़े नुकसान में बैठे हैं, क्या कंपनी खराब है, क्या बेच दें, क्या करें। देखिए, मैंने आप सभी के साथ थोड़े दिन पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपसे कहा था कि इन लेवल्स पे खोने के लिए डेल्टा कॉर्प में ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। गेमिंग एंड कैसीनो इंडस्ट्रीज में जब कोई बंदा जाता है, पैसा लगाता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार पैसा खा रही है, कंपनी पैसा खा रही है, वो अपने पैसे में ऑलमोस्ट आग लगाने ही जाता है क्योंकि वो इंजॉय करने जा रहा है। कैसीनो में आप कभी इस पर्पज से नहीं जाओगे कि मैं पैसा जीत के लाऊंगा, आप इंजॉय करने जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो कि मैं पैसा जीत के लाऊंगा, मैं वहां पे से
गैम्बलिंग से पैसा जीत के लाऊंगा, तो शायद आप एक गलत थॉट प्रोसेस से जा रहे हो। कंपनी की मैनेजमेंट का इंटरव्यू मैंने देखा था जहां पे वो कह रहे हैं कि भैया ये तो कहने वाली बात है कि सरकार ने 28% जीएसटी कर दिया, हम तो 1 अप्रैल 2023 से 28% जीएसटी दे रहे हैं, ये तो पहले से ही लागू हुआ पड़ा है। अब ये जो नया हुआ है इसमें ये देखने वाली बात है कि जो लोग हमसे चिप्स खरीदते हैं खरीदते समय 28% होगा, या फिर बांटते जब वो वापस करेंगे उस समय 28% होगा, जो जीतेंगे उस पर 28% होगा, ये 28% है इस पे, इसको पूरा डिटेल में समझना होगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा अगर मेरे पास सामने क्लियर कट आएंगी, बट अभी तक ऐसा है जब ये लोग चिप्स दे रहे हैं उस समय पे 28% है, वापस पे रिसीव पे नहीं है, क्योंकि जब आप लोग सर्विस देते हो उस सर्विस देने पे 28% है, रिसीव पे नहीं है। तो ये देखने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरा न्यू स्ट्रक्चर तरीके से कंपनी को काम करना होगा, एंड इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपको क्या करना है इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये स्टॉक 160 रुपए तक चला गया तब भी मत बेचना, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ से कुछ नहीं है, कंपनी अपने आप दोबारा बदलेगी अपने आप को और बड़ा बनेगी। गोवा जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ केवल डेल्टा का ही राज है, सिक्किम में इनके और थोड़े कैसीनोज हैं, बाकी मेन तो इनका डेल्टा आपके लिए गोवा से ही चल रहा है। तो मुझे लगता है आगे चल के दोबारा रिकवरी आएगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।